आज हमारे साथ मिस्टर तोष हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं जो कि एबरडीन यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में मैं पूछना चाहता हूं कि ये यूनिवर्सिटी की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर। थैंक यू मिस्टर कपिल। वेल, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है यूके में एंड टॉप 40 रैंक के अंदर आती है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन का जो यू नो एंट्री क्राइटेरिया है वो बहुत सिंपल सा है। अगर आपने आयल्स किया है, एकेडमिक आयल्स, तो 5.5 बैंड हमें चाहिए। अगर आपने 12th यू नो अभी रिसेंटली किया है तो 12th में 70% मार्क्स हमें चाहिए। एंड यू नो पीटी अगर किया हुआ है तो पीटी में 59 मार्क्स चाहिए। क्या आयल्स में वेवर मिलता है जी इस यूनिवर्सिटी में? अगर आपके इंग्लिश में 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो बिल्कुल हम आयल्स में वेवर दे देते हैं। और इसमें इस यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम्स हैं वो किस किस के रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं? वेल, हमारे पास इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर और इंटरनेशनल ईयर 2 के प्रोग्राम्स हैं जो हम बच्चों को देते हैं। और इसमें आपको सारी ही स्ट्रीम्स के प्रोग्राम मिल जाएंगे। आप बिजनेस में भी जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं और कंप्यूटर साइंस का भी प्रोग्राम। ये अच्छी बात है कि सारी स्ट्रीम्स को कवर कर रहे हैं, प्लस इंटरनेशनल ईयर 1 भी है। उसके बाद आप अपना 2 ईयर्स का जो बैचलर बैलेंस बचता है वो भी कर सकते हैं, आपकी टोटल बैचलर 3 ईयर भी हो जाएगी। क्या इसमें फाउंडेशन प्रोग्राम भी है? बिल्कुल, इसमें फाउंडेशन प्रोग्राम भी है और इसकी रिक्वायरमेंट है आयल्स में 4.5 ईच पर UKVI आयल्स चाहिए। एंड अगर आपने UKVI PTE किया है तो 43 ईच के साथ आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है कि अगर तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आपके 5.5 इन ईच मॉड्यूल है, तो आपको ये यूनिवर्सिटी डायरेक्टली इंटरनेशनल ईयर 1 में रिक्रूट कर लेगी स्टेट वे बैचलर में। और उसके बाद अगर आपकी PTE या आयल्स स्कोर कम है तो आप फाउंडेशन लेके जा सकते हैं। आपका 1 ईयर का फाउंडेशन प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद आप बैचलर में जाएंगे। फाउंडेशन का जो क्राइटेरिया वो बहुत इजी है, जैसा मिस्टर तोष ने बताया कि पीटी में सिर्फ 43 अगर आपके मार्क्स हैं, 43 ईच पे आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम में, जो कि बहुत इजी है। और आयल्स में कितना चाहिए होगा? आयल्स में 4.5 ईच और 4.5 ईच, जो कि बहुत इजी है। अगर आयल्स की बात करें 4.5 लेना तो बहुत इजी है, फाउंडेशन प्रोग्राम में यहाँ जा सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है? इसकी फीस वैसे लगभग 16,000 के आसपास है, पर बच्चों को हम स्कॉलरशिप्स देते हैं एंड स्कॉलरशिप के बाद बच्चे को जो नेट पेमेंट करनी होती है वो लगभग 15,000 पाउंड जैसी बनती है। और इसमें इनिशियल पेमेंट कितनी जाती है? इनिशियली 9 to 60 पाउंड जाते हैं। सो बच्चे को 9 to 60 पाउंड पे करने होते हैं बिफोर कैश। और कैश से पहले आपको 9 to 60 पाउंड दे के आप अपनी कैश ले सकते हैं, आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। बाकी जो फीस है एज पर यूनिवर्सिटी का जो भी शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको पे करनी पड़ेगी। और बाकी जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इजी है, आपको विदाउट आयल्स अगर आपके 80% मार्क्स है इंग्लिश में आप जा सकते हैं। आयल्स के साथ भी अगर आपके 5.5 ईच है मेन में आप एडमिशन ले सकते हैं। UKVI आयल्स है, फाउंडेशन प्रोग्राम में जा सकते हैं 4.5 बैंड पे, या PTE 43 ईच पे भी जा सकते हैं। इससे इजी क्राइटेरिया नहीं मिलेगा पूरे UK में। तो मैं ये जरूर कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप अभी अगर सितंबर इनटेक को कैच करना चाहते हैं तो आपको फटाफट अपनी आयल्स या PTE करनी पड़ेगी जिन स्टूडेंट्स ने नहीं की हुई। और जिन्होंने करी हुई वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो स्ट्रेट वे ही इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो अपना सितंबर इनटेक को कैच कर सकें। क्योंकि आपको पता है सितंबर के बाद हो सकता है UK में और स्ट्रिक्टनेस हो जाए, यूनिवर्सिटीज अपना क्राइटेरिया और टफ कर दें आने वाले टाइम में। तो इसलिए अभी इस जो आप स्टूडेंट्स ने अभी आयल्स करी है वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और स्ट्रेट वे इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और संतोष, कुछ ऐड करना चाहें आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप 40 रैंक में है, तो एक्चुअली ये टॉप 27th रैंक पे है। एंड ये जो है स्कॉटलैंड में है, तो स्कॉटलैंड एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है अगर आप पढ़ने और अपना करियर बनाने जाना चाहते हैं तो स्कॉटलैंड में, क्योंकि यू नो जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। सो अगर आप अपना करियर बनाना जाना चाहते हो तो स्कॉटलैंड वुड बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। थैंक्स मिस्टर तोष हमारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू मिस्टर कपिल। बिजनेस और कॉल अस फॉर वीजा सर्विसेज, फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स फॉर ऑफर्स एंड न्यू अपडेट्स।